अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिजनेस कॉर्नर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद उस्मान, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं बिजनेस कॉर्नर की जानिब से। और आज मैं मौजूद हूं कायदाबाद से तकरीबन आधा किलोमीटर के फासले पर, जहां पर बनने जा रहा है जेफको मॉल एंड अपार्टमेंट्स के नाम से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो कि तैयार किया जा रहा है। इसमें आप दोस्तों के लिए क्या बेनिफिट्स है, आप कैसे यहाँ पर जो है ना अप्लाई कर सकते हैं अपनी शॉप के लिए इस शॉपिंग सेंटर में, जो किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, कैसे आप जो है ना आपको शॉप यहाँ पर मिल सकती है, ये सारी डिटेल आज की वीडियो सेशन में बड़ी तफसील के साथ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फाइनली इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ के जो मैनेजमेंट पर्सन है मेरे साथ मौजूद है, यहाँ की जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको बड़ी तफसील के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको इस सामने जो है ना डिफाइन करेंगे, मेरे पीछे बिल्कुल आप देख रहे होंगे ये जो मॉड्यूल बना हुआ है, ये आपको बिल्कुल तफसील के साथ ये डिफाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइएगा हमारे व्यूअर्स। मोहम्मद दानिश रियाज साहब हमारे साथ मौजूद है, ये आपको बड़े तरीके से और बड़ी तफसील के साथ डिफाइन करेंगे कि ये मॉड्यूल जो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है इसका क्या तरीकाकार है और यहाँ पर किन किन चीज़ों कौन कौन सी चीज़ें तैयार होने जा रही है। एक तो हमने जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में आपके साथ डिस्कस करा कि शॉपिंग मॉल प्लस अपार्टमेंट्स, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर तैयार होने जा रही है। तो दानिश साहब सबसे पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि ये अपार्टमेंट्स जो मौजूद है हमारे सामने, इसका जो प्रोजेक्ट ये पूरा जो प्रोजेक्ट मौजूद है हमारे सामने, तो ये डिफाइन कीजिएगा हमारे व्यूअर्स के साथ। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन गाइड करो, मेन डेस्टिनेशन बिल्कुल कायदाबाद से बराबर में ये प्रोजेक्ट है, 16 मंजिला ये प्रोजेक्ट है, 16 मंजिलों में 3 मंजिल हमारा शॉपिंग मॉल बना है जो प्रॉपर हम लोग कपड़ा मार्केट बना है। इसके बाद इसके ऊपर जो 10 मंजिला है हम अपार्टमेंट बना, अपार्टमेंट में हमारे पास 3 कमरों से लेकर 6 कमरों तक की अकेडमी है। शॉप में हमारे पास डोर बेसमेंट ग्राउंड और अपर 3 फ्लोर पर शॉपिंग मॉल बना है। ठीक है, अगर इसको प्रॉपर्टी वाला को बहुत सारे डिजाइन में शॉपिंग मॉल पे जब ये सबसे पहले ये बन रहा है डोर फ्लोर, इसकी एंट्रेंस मेन रोड से भी है, जब आप एंटर होंगे सामने स्टेज का स्टेज से ऊपर के लिए अपर ग्राउंड के लिए भी जा सकते हैं। सेम यही चीज़ ये अपर ग्राउंड में, ये अपर ग्राउंड बेसिकली लोअर ग्राउंड के ऊपर है, ना कि अलग ये डिफाइन किया गया लेदर लेदर बनता है, लेकिन ये लोअर ग्राउंड के ऊपर है। सेम इसका भी यही है, फ्रंट से आप मेन रोड से आप इसको अंदर से स्टेट से आप ऊपर जा सकते हैं। अच्छा, ये जैसे कि आपने बताया कि ये इसके ऊपर का है। बिल्कुल, ये जो मॉड्यूल आपके सामने बना हुआ है ये मॉड्यूल नीचे का हिस्सा है, और इस साइड अगर ये मॉड्यूल है ये कोई अलग हिस्सा नहीं है बल्कि इसके टॉप का हिस्सा है, इसके ऊपर वाला हिस्सा है। ये मॉड्यूल आपके कैमरे में आप देख सकते हैं, ये मॉड्यूल 7 वाले मॉड्यूल के ऊपर का हिस्सा है। जी सर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपर ग्राउंड के ऊपर है हमारा मीना बाजार। बेसिकली अगर ग्राउंड से देखो मेन रोड का अगर आप देखेंगे तो बहुत थर्ड फ्लोर है, ठीक है। मीना बाजार की एंट्रेंस जब लोअर और अपर ग्राउंड के एंटर होंगे ये स्टेयर्स बनेंगे, इन स्टेयर्स से ऊपर आने का रास्ता है मीना बाजार का फर्स्ट फ्लोर। मीना बाजार बेसिकली होता है लेडीज आइटम, लेडीज से मतलब हर आइटम के यहाँ पर शॉप होते हैं, लेडीज भी इसको ऑपरेट कर सकती है और जेंट्स भी इसको। तो गाइस आपने देखा कि ये मॉड्यूल आपके सामने बड़े तरीके से इन्होंने डिफाइन करा, जहाँ पर एक मीना बाजार के नाम से भी एक थर्ड फ्लोर पर इनका ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, उसके थर्ड फ्लोर पर मीना बाजार के नाम से एक मार्केट होगी जहाँ पर आप क्विक अप्लाई करके अपनी शॉप की जो है ना तैयारी कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल आगे जाके आप अप्लाई कैसे करेंगे ये सारी डिटेल दानिश भाई हमारे साथ शेयर करेंगे, आप जो है ना यहाँ पर आ सकते हैं। इसकी लोकेशन ऑलरेडी वीडियो के स्टार्ट में मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, ये कायदाबाद से तकरीबन आधे किलोमीटर के फासले पर
जेफको मॉल एंड अपार्टमेंट्स के नाम से बनने जा रहा है। तो दानिश भाई, जैसे कि आपने बताया कि ये थर्ड फ्लोर है, इसके अलावा अगर हमारे व्यूअर्स को इसके अलावा कोई डिटेल या कोई इंफॉर्मेशन आप जी। 3 फ्लोर शॉपिंग के बाद 2 फ्लोर कार पार्किंग है जो अपार्टमेंट के लिए है। और अगर आप बात करते हैं शॉपिंग मॉल वालों के लिए अपार्टमेंट, तो हमारी लोकेशन अगर आप आकर देखेंगे तो लोकेशन के साथ बकायदा जगह दी हुई है जो हमने मॉल वालों के लिए कार पार्किंग। मॉल वाले अपार्टमेंट में, हम अपार्टमेंट की पार्किंग में अंदाज़ ही नहीं कर सकते, तो अपार्टमेंट वाले मॉल अलग अलग है। ये बिल्कुल सेपरेट है, सेपरेट मॉल एंड अपार्टमेंट्स दोनों अलग अलग है। मतलब कोई दूसरा जैसे कि मॉल का बंदा अपार्टमेंट में नहीं कर सकता जी। अच्छा, अपार्टमेंट की जो पार्किंग है वो 4th मंजिल और 5वीं मंजिल, उसका भी डेमो बनाया। ये सारी अपार्टमेंट की कार पार्किंग है, हर अपार्टमेंट के लिए एक कार रिजर्व जी। ये आप नाज़रीन देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत किस्म का मॉड्यूल जो आपको हमारा कैमरा दिखा रहा है। ये तीसरी और चौथी मंजिल पर ये आप जो मॉल शॉपिंग मॉल है, अपार्टमेंट्स या शॉपिंग मॉल की पार्किंग है। ये अपार्टमेंट्स की पार्किंग आप देख सकते हैं जो कि फ्री अपार्ट्स के लिए एक पार्किंग जी रिजर्व की गई है। तो बड़ा ही बहुत ही खूबसूरत किस्म का ये प्रोजेक्ट है। अच्छा दानिश भाई, आप हमारे व्यूवर्स को ये भी एक चीज़ गाइड कीजिएगा, जैसे कि बिलफर्स कोई व्यूवर्स यहाँ पर इंटरेस्टेड हो, यहाँ पे अपार्टमेंट्स हो या शॉपिंग सेंटर में अप्लाई करना चाहे शॉप के लिए या अपार्टमेंट्स के लिए, तो उसके क्या तरीका, क्या प्रोसीजर है? देखिए, अगर तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको डिटेल्स दे सकते हैं जी। और अगर वो खुद यहाँ आकर विजिट करेंगे तो हम उनको एक तो याद छपाएंगे और लोकेशन हर चीज़ उनके सामने होगी, तो ज़्यादा उनको समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि हर चीज़ वो खुद देख चुकी हूँ। लोकेशन हमारी मेन कैटाबाद के बराबर में है, उसके अलावा इर्द गिर्द का अगर आप माहौल देखेंगे, आबाद एरिया है, कोई ऐसी जगह नहीं है कि आप अपने डोर शॉपिंग करने जाना हो या कहीं दूर जाने के लिए, सब चीज़ें यहाँ पे प्रीमियम है। तो गाइस, मेन नेशनल हाईवे पर इनका ये प्रोजेक्ट जो कि जेफको मॉल एंड अपार्टमेंट्स के नाम से बनने जा रहा है, इनका व्हाट्सएप नंबर जैसे कि भाई ने बताया आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप इनका व्हाट्सएप नंबर इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इनसे रब्ता करके आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, किसी चाहे शॉप के लिए हो चाहे अपार्टमेंट्स के लिए हो, सारा प्रोसीजर ये आपको समझा देंगे। लेकिन दानिश भाई, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे व्यूवर्स को अगर शॉर्टली ये चीज़ अप्लाई का तरीका कार क्या तरीका कार है, डेफिनेटली वो व्हाट्सएप पर आपसे कनेक्ट तो हो सकते हैं, लेकिन आप शॉर्टली आप वीडियो में ही बता दें कि तरीका कार क्या, अप्लाई का फॉर्म मिलना पड़ता है क्या, किससे मिलना पड़ता है, तो ये सारी डिटेल अगर आप बता दें तो बड़ी मेहरबानी। सिंपल है कि अगर आपको कोई भी यूनिट पसंद आता है, चाहे शॉप आती है या अपार्टमेंट आती है, अगर तो आप उसको 2 से 3 दिन के लिए होल्ड करना चाहते हैं या उसका टाइम लेना चाहते हैं कि मुझे एक चीज़ पसंद आ गई लेकिन मैं 2 से 3 दिन का टाइम दूँ, आप आकर उसको एक टोकन मनी देकर आप होल्ड करा सकते हैं। अगर आप टोकन मनी नहीं देना चाहते, आपको चीज़ पसंद आ गई, आप डायरेक्ट आप पेमेंट करो, आपके नाम में फाइल बन जाएगी। अच्छे दानिश भाई, जैसे कि आपने टोकन की बात की, अगर बिलफर्ज कोई बंदा है, किसी को अपार्टमेंट्स या कोई शॉपिंग मॉल में कोई दुकान शॉप वगैरह पसंद आ जाती है, वो टोकन पे करता है, देन उसे वो जो है ना इंटरेस्टेड नहीं होता, उसने नहीं खरीदना चाहता, तो टोकन आप रिटर्न करेंगे, उस पर क्या दिल करता है? बिल्कुल हम रिफंड कर देते हैं क्योंकि हमारा पॉलिसी देखिए सब नहीं है, हम भी जानते हैं कि अक्सर कस्टमर जो है उनका जहन बदलता है, कोई ना कोई कार चढ़ा हुआ था, तो इस वजह से। अच्छा, टोकन भी रिफंड हो सकता है, इसकी कोई खास पॉलिसी के बिल पर आपने टोकन रिसीव कर लिया किसी से, देन वो जो है ना 2-3 दिन या 1 हफ्ता उसको लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा दिन या पॉलिसी आपने? ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि हम 5 दिन या 4 दिन का टोकन करते हैं, अगर इससे ज़्यादा वो कस्टमर बताना चाहता है कि मैं आपको अगर टाइम दे दूँ, वो टोकन मनी ज़्यादा बढ़ा दें, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है वो हार कर हमें या बता देंगे या फोन पर हमसे रब्ता करके बता देंगे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ लेकिन मैं टोकन मनी आपकी वापसी लेना चाहता हूँ, तो गाइस बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पॉलिसी है आपके पास, बहुत ही अच्छा मतलब एक सिनेरियो है कि आप यहाँ पर अप्लाई करें, और सबसे बड़ी बात यह कि 5 से 6 दिन बहुत होते हैं आपको डिसीजन लेने में, आप टोकन दे के यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, देन अगर आपको पसंद नहीं आता 4-5 दिनों में तो आप रिफंड भी हो सकता है, ये भी इनकी एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। अच्छा दानिश भाई, ये भी चीज़ हमारे नाज़रीन को गाइड कीजिएगा
कि अगर इंस्टॉलमेंट की बात करें, ज़्यादातर प्रोजेक्ट आजकल जो बन रहे हैं इंस्टॉलमेंट पे भी होता है काम, तो यहाँ पर डायरेक्ट कैश है या इंस्टॉलमेंट का भी कोई चक्कर नहीं? बिल्कुल, हमारा इंस्टॉलमेंट पर ही है जी। और अगर आप कैश पर लेना चाहते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट जी एट अ टाइम ऑफ बुकिंग मिल जाए। 10% डिस्काउंट कैश पर, यहाँ पर अगर आप कैश पर कोई अपार्टमेंट्स या शॉप वगैरह खरीदना चाहते हैं फुल पेमेंट पर 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। अच्छा ये बताइएगा, जैसे कि आपने 10% डिस्काउंट की बात की, अगर कोई इंस्टॉलमेंट पे बात करें तो उसकी कीमत बढ़ती है या कोई देखिए, अगर तो फुल कैश पेमेंट करती तो इंस्टॉलमेंट खत्म हो जी। बिल्कुल, अगर वो इंस्टॉलमेंट पे करता है उस हिसाब से वो बनाना चाहता है, अगर वो एप्लीकेबल तो हमारे लिए है जी। अगर इसमें हमें आसानी भी पेमेंट लेने में तो हम उनके शुरू से कर देंगे, ओके। अगर नहीं तो हम हमारे शुरू से पेमेंट कर सकते हैं। तो गाइस ये आप देख सकते हैं, ये जहाँ पर जेफ को मॉल है उसके नाम से एक प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, ये कायदाबाद से बिल्कुल आधे किलोमीटर के फासले पर नेशनल हाईवे पर, बिल्कुल नेशनल हाईवे पर मौजूद है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट है और बहुत ही शानदार मौका है, स्पेशली उन दोस्तों के लिए जो कि कारोबार करना चाहते हैं, उन्हें ज़रूरत है एक अच्छी लोकेशन की, एक अच्छी जगह की तलाश है और वो अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा मौका है। तो आप में से कोई व्यूवर्स ऐसा मौजूद हो जो खरीदना चाहता हो, यहाँ पर आके अप्लाई करना चाहता हो, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, आप उसे भी देख सकते हैं, आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करेंगे, इनका एड्रेस इनका पूरा जो तरीका कार है वो आपके साथ शेयर करेंगे। दानिश भाई थे, इनकी बड़ी मेहरबानी, इन्होंने सारी डिटेल हमें बता दी और ये बहुत ही एक अच्छा किस्म का प्रोजेक्ट है। तो अगर आप में से कोई दोस्त इसमें इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो ज़रूर रब्ता करें। ये थी हमारी आज की वीडियो, और अगर इसी से रिलेटेड किसी भी किस्म के कारोबार पर आप वीडियो आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, या आपका कोई बिजनेस है इस पर आप अपनी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, तो आप तब भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर आपकी तरफ आएंगे और आपकी भी बनेगी एक ज़बरदस्त किस्म की वीडियो। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें सारी डिटेल इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमने आपके साथ शेयर की, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।